दिल जिंदा है, नारे की बेटी का तू किसको है, नवाज जिंदा है, पहाड़ की बेटी का तू किसको है, हम वो है, हम वो है, पहाड़ की बेटी का तू किसको है, हम वो है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएवी महाविद्यालय के मुख्य गेट पर। आप यहां पर देख सकते हैं जो बीती देर रात्रि को जो हादसा हुआ था, एक युवती की मौत हो गई थी दीवार, कॉलेज की दीवार टूटने के कारण, तो उसके लेकर यहां पर युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। आप यहां पर देख सकते हैं एनएसयूआई सत्यम और आर्यन तमाम छात्र संगठन के काम हुआ गए हैं वो यहाँ पर है, और इसी के साथ यहाँ पर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ कॉलेज गेट के बाहर कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि तमाम जो युवा है उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है, और यहाँ पर जो तमाम संगठन के जो युवा जो छात्र हैं वो आज यहाँ पर आक्रोशित है। तो कल रात जो यहाँ पर हादसा हुआ, आप क्या मानते हैं कि कॉलेज प्रशासन की इसमें गलती है या हादसा है? कॉलेज प्रशासन की ही गलती है, अगर हादसा होता तो हम मान लेते हैं। कॉलेज प्रशासन ने ये एक तरीके से उन्हीं के द्वारा की करती है, क्योंकि हमने पूर्व में प्राचार्य जी को बार बार सूचित किया था कि यह दीवार जंजर है, कक्षाएं भी जंजर है, आप इनको सही कराइए। ऐसा नहीं, कई बार ज्ञापन दिया गया, हमने बार बार उनसे जो रखरखाव कमेटी है उन पर भी हमने बोला कि आप जो रखरखाव कमेटी है पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। कुल मिला के जो मामला है भ्रष्टाचार का भी एक मामला है और हत्या का भी मामला है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन जो आज वो अपना बच बचाव कर रहा है कि हमने वन विभाग को मांग की थी पेड़ कटने की, आप पीछे जाके देखिए वो पेड़ सीधा खड़ा है, उसने कभी दीवार को टच तक भी नहीं करा, दीवार से हट गए बहुत, आप देखिए बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसने दीवार को टच भी नहीं करा। हम जो कॉलेज प्रशासन की जो चल रही थी मिली भगत, उनका मिली भगत ये था कि यह दीवार किसी विभाग द्वारा बना दी जाए, वो कॉलेज की दीवार अपने फंड से बना नहीं चाहते, वो केवल 2000 रुपये बचाने के लिए, मजदूरों की दिहाड़ी 2000 रुपये, अगर कोई पेड़ काटते हैं तो 2000 रुपये एक पेड़ काटने के लिए एक मजदूर लेता है, उन 2000 रुपये के चक्कर में लाखों की जिंदगी जो बर्बाद हो गई, जो बेचारी अपना घर का पालन पोषण कर रही थी और उसके फादर भी नहीं थे। और इसके बाद कॉलेज प्रशासन को जब हम सूचना देते हैं तो वो अपना फ़ोन बंद कर लेता है। अच्छा। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, सर ऐसे बीते रात की घटना है, 7:30 बजे जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, गुरुजी ऐसा हो गया, आपका क्या स्टैंड है क्या है, तो उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। अच्छा। ना वो ना ही मौके पर आए, ना ही हॉस्पिटल गए, ना ही किसी को देखा। हम रात वहाँ पर 11:30-12 बजे तक उनके आवाज़ के बाहर हमने धरना दिया, उसके बाद हमने तहरीर दी, तब भी उनका ये था कि मेरे द्वारा ये नहीं किया गया, वन विभाग की गलती है, वन विभाग ने हमें परमिशन दी, इस विभाग को टालम टाली, वो बहुत एक्सपर्ट है टालम टाली में। अब हमारी मुख्य मांग केवल ये है प्राचार्य जी को देवी प्रशासन निरस्त करें और जितने भी हमारी कमेटी आए उनको भंग करें और गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनके अरेस्टिंग हो। आप किसे दोषी मानते हैं इस घटना में? देखिए दोषी यही है हमारा कॉलेज का मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट की जो कमेटी है मैं उनको ही दोषी मानता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि एकदम से कोई कॉलेज की दीवार गिर जाए। देखिए कॉलेज की दीवार कोई प्लास्टिक की या कागज़ की तो है नहीं जो एकदम से गिर जाए, और इससे पहले भी पूर्व में जैसे कि हमारे साथियों ने बताया है, पूर्व में हर एक छात्र संगठन ने लगातार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि कृपया करके मतलब जो ये जर्जर स्थिति हमारे इमारतों की है, कॉलेज की इमारतों की है, कॉलेज की दीवारों की है, उन्हें सही किया जाए टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ज्ञापन लिया जाता है और उसे रख दिया जाता है, बस एक कूड़े का ढेर बना दिया जा रहा है। लेकिन प्राचार्य महोदय ने, देखिए आज हम सबके सामने ये रिजल्ट आ चुका है कि प्राचार्य महोदय ने उन ज्ञापन को अगर सीरियसली लिया होता तो शायद हमारी एक पहाड़ की बेटी आज जिंदा होती है और हमारे बीच होती है। यहाँ पर जो युवाओं का आक्रोश है वो चरम पर है, युवाओं का कहना है कि हमने पहले भी जो है कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अगर संज्ञान लिया होता तो एक युवती की यहाँ पर जो बच्ची है उसकी जान नहीं जाती है। साफ तौर पर यहाँ पर जो आरोप है कॉलेज प्रशासन पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और युवा है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो डीएवी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं दयाल बिष्ट, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, आप किसे, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डीएवी प्रशासन है वो जिम्मेदार है, छात्र संघ ने इससे पहले क्या ज्ञापन दिए थे वो प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को? छात्र संघ द्वारा और विद्यार्थी परिषद के पैनल द्वारा 3 या 4 बार जो है हमने प्रचार मतलब उसमें ज्ञापन दिया है, और उनका हर बार यही होता था कि हम बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट से बात करते हैं,
पर लेकिन उन्होंने आज तक ना मैनेजमेंट से बात करी ना इसकी कोई सुध बुध ली, और इसी के कारण जो है आज उस बहन की धर्म हत्या बोल सकते हैं वो हुई है, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रचारी और मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ने जब ये कॉलेज बनाया उसके बाद मैनेजमेंट ने इस कॉलेज में देखने के लिए मैनेजमेंट साल में एक बार भी नहीं आता, मैनेजमेंट का कोई एक आदमी यहाँ साल में देखने भी नहीं आता कि कॉलेज की स्थिति कैसी है। यहाँ पे इतनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, हमने कई बार इतनी क्लासें ख़राब हैं वहाँ पे, कई बार टीचरों के ऊपर ही मतलब कई बार पेड़ सूखा पेड़ है वो गिर जाता है, ये भी कुछ आता है, पर लेकिन मैनेजमेंट ने आज तक कोई देख रेख का काम नहीं करा, मैनेजमेंट ने इसे देख रेख कोई है दी, बस यहाँ प्रभारी नियंत्रक के तौर पर एक सर को बना दिया विजय विष्णुई गुरु जी को, और उनका क्या काम है उन्हें वो ही नहीं पता है, और इतने टाइम से कॉलेज को ऐसी खस्ता हालत में छोड़ दिया जिससे कि कई गरीब छात्र जो यहाँ पे उन्हें जो है जो यहाँ पे बहुत कम पैसों में अपनी शिक्षा ग्रहण करना आते हैं उन्हें जान मान का हाल ही का नुकसान। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, आज मैं देख रहा हूँ कि सभी छात्र संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए, इससे पहले जबकि सबको दिख रहा था कि वो दीवार जो है वो ढहने वाली है, कभी भी एक हादसा हो सकता है, इसको लेकर छात्र संघ या चाहे कोई भी संगठन हो वो धरना दिया है उसने प्रशासन के खिलाफ, हमने मैनेजमेंट के खिलाफ धरना भी दिया था दीवार को लेकर के कॉलेज में जो समस्याएं हैं, कॉलेज में जो है कई क्लासों में जो है पानी आ रहा है क्योंकि वहाँ छत टूट गई है और पानी आता था, पर अंदर पूरा ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट तो ऐसा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था। अच्छा। परंतु प्राचार्य महोदय ने अपनी समस्या को भागते हुए डिपार्टमेंट को ना कुछ काम करना कहा गया, वहाँ से बस कुछ दिन के लिए बच्चों को किसी दूसरी क्लास से पढ़ाने का काम करा, पर लेकिन वहाँ से हटे नहीं और ना वहाँ पे कुछ काम करा, और हमने जब इसके लिए बात करी तो उन्होंने कहा मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, उनका अगर हम किसी भी आवाज़ को लेकर जाते हैं तो कहते हैं हमारे हाथों पर कुछ नहीं है, मैनेजमेंट से बात करेंगे तो मैनेजमेंट इसमें करेगा, पर लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर ना कुछ सुध बुध लेता है। मैं कह रहा हूँ वर्ष में एक बार भी मैनेजमेंट अपने कॉलेज को देखने नहीं आता है, एक बार भी यहाँ डीबी मैनेजमेंट अपने डीबी पीजी कॉलेज को देख कैसी हालत है उसे देखने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर कुछ और छात्रों से बात करते हैं, अभी हम देख रहे हैं दीवार एक गिर गई, जो और दीवारें हैं वो भी जर्जर हो रखी हैं, बावजूद इसके वहाँ से आवाजाही रोकी नहीं गई है, क्या कहेंगे? देखिए दशकों से ये कॉलेज चल रहा है, इस कॉलेज में जो मैनेजमेंट बनाया गया है मैनेजमेंट ने एक बार भी अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए इस कॉलेज की जांच नहीं की थी। जो स्टूडेंट की फीस ली जाती है डेवलपमेंट फीस जो कॉलेज के लिए हमारे स्टूडेंट से प्रत्येक स्टूडेंट से ली जाती है उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है हम ये भी जानना चाहते हैं। जो ये दुखद घटना हुई है इस घटना का जिम्मेदार कौन है, पहले एक सवाल प्रश्न चिन्ह ये होता है, तो मेरे माध्यम से समाज के माध्यम से इस घटना का जिम्मेदार प्रिंसिपल महोदय और मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साफ तौर पर आरोप है वो कॉलेज प्रशासन पर लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी जो डीएवी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम इससे पहले भी धरने पर बैठ चुके हैं लेकिन कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया गया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।